राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। उससे पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, जिसको जिसको ये रीडिंग मिलेंगी उसके लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर होगा, बट जनरल बेस में ही लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब मिलेगी तब आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगा, जनरल स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जिनका गाइडेंस आपको जनरल रीडिंग में नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप जिस मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें। आप अगर मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। और उसको एनालिसिस कराना चाहें, कुंडली अगर एनालिसिस कराना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी खास तरीके के ड्रीम आते हैं और आप उन्हें डिकोड नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है ये कोई मैसेज है, तो उसके लिए भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तीनों पर्सनल फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको अगर नीड है और आप अगर ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। चार्जेस आपको व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बता दिए जाएंगे। अब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था, पर हो सकता है आपको ट्रस्ट ना हो कि पता नहीं मैम ने ये दीने किए थे या नहीं किए थे, तो फिर मैं आपके सामने थोड़ा सा कर देती हूँ। लेकिन वीडियो ऑन करने से पहले मैं अच्छे से नाम जप करते हुए कार्ड शफल कर लेती हूँ। तो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए कार्ड ले रही हूँ। देखिए जस्टिस, पहला कार्ड ही जस्टिस का आया। नेक्स्ट फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट चैरियट। नेक्स्ट कार्ड सिक्स ऑफ कप्स। नेक्स्ट हर्मिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वेंड्स। नेक्स्ट डेथ। नेक्स्ट पेज ऑफ कप्स। तीनों पॉजिटिव साइन है तो मैं तीनों लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर दीजिए। सॉरी व्यूअर्स, मैंने तुलसी का पत्ता मुंह में रखा हुआ है क्योंकि मैं तुलसी के पत्ता मुंह में रख के रीडिंग करती हूँ और कभी कभी भूल जाती हूँ, तो बातें करते करते मैंने उसको चबा लिया तो थोड़ा चक्कर डिस्टर्ब हो रहा है, आप इसको प्लीज़ माइंड ना करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दिया है थ्री ऑफ कप्स से। चलिए अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट जस्टिस आया है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसमें मुझे लगता है ये तो आप भी समझते होंगे, रीडिंग देखते हैं तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। सॉरी तो यहाँ पे जस्टिस देना चाहते हैं, और जस्टिस क्या देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कार्मिक पैटर्न से बहुत जूझे हैं, ये परेशान रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी लॉसेज हुए हैं इनके, कार्मिक की वजह से हुए हैं, तो उन वहाँ से लॉसेस मिलते मिलते इनको समझ आया है। तो आपको जस्टिस देने के लिए ये कहीं ना कहीं अपने कार्मिक पैटर्न्स को छोड़ने की कोशिश की है इन्होंने, कार्मिक से दूर होने की, यानी या तो या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई चेंज आया है, इनके कार्मिक पैटर्न में कोई चेंज आया है, कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से ये अब खुश हो पा रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, या तो इनकी लाइफ से कार्मिक गए हैं या फिर कार्मिक से जीत गए हैं। अगर साथ में भी हैं तो ये अब कार्मिक की सुनते नहीं हैं, कार्मिक का कोई असर नहीं हो पा रहा है। इनकी हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो, या पेरेंट्स हो या ब्रदर सिस्टर, कोई भी जो रूलिंग पर्सनैलिटी इनके साथ थी, वो अब इनका इन्हें अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रही है, इनको रूल नहीं कर पा रही है, ये अपने मन मुताबिक काम करते हैं, ये इसीलिए खुश हैं, ये सोच रहे हैं बहुत चला लिया मुझे अपने हिसाब से, अब नहीं चलना मुझे तुम्हारे हिसाब से, इसीलिए खुश हैं, इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन ने इनको जस्टिस दिया है, डिवाइन ने इनको समझाया है, इनका कार्मिक पैटर्न ख़त्म किया है, या अगर ये जॉब है बिज़नेस को के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो जो टॉक्सिक जॉब या बिज़नेस था उसको रिलीज़ हुआ है, तो ये हैप्पीनेस की एनर्जी में आए हैं, इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप इन्हें बहुत, इनके लिए बहुत टॉक्सिक थी, इनकी एनर्जी शक करती रहती थी, तो वो रिलीज़ हुई है, वो पर्सन रिलीज़ हुआ है इनकी लाइफ से, जिसकी वजह से ये खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इन्हें ये एहसास है, इन्हें ये सच्चाई समझ आई कि इस पर्सन का चले जाना ही इनके लिए सही था, ये
फील कर पा रहे हैं कि जो भी टॉक्सिक पर्सन था ये जान गए हैं कि इन्होंने उसको मनाने की कोशिश नहीं की, इन्होंने रीत रिवाज यानी घर परिवार ये सब नहीं देखा, इन्होंने सोचा कि मैंने तो अपना 100% डाल लिया था, तुम्हें नहीं रोकना था, तुम जाओ, तुम्हारा जाना ही मेरे लिए अच्छा था, अच्छा है, ऐसा इन्हें एहसास हुआ, इसीलिए खुश हैं। और अब चैरियट की एनर्जी का मीनिंग है ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, कि आपको इन्हें सच्चाई समझ आ गई है। और यहाँ पे प्लस का भी साइन है और विंग फैदर भी बने हुए हैं, तो एंजल्स का सपोर्ट आपको है, एंजल्स इनको आपकी ओर ला रहे हैं। ये जो यहाँ से रिलीज़ हुई है हैप्पीनेस की एनर्जी है, इन्होंने अपनी एनर्जी देना बंद कर दी, इन्होंने हो सकता है फाइनेंशियली उनको कार्मिक्स को बस जितना ज़रूरी है उतना देना शुरू कर दिया होगा, या फिर कार्मिक इनकी ज़िंदगी से चले गए होंगे, किसी भी तरीके से कार्मिक्स से इनकी एनर्जी कट ऑफ हुई है, कार्मिक अब इनकी एनर्जी शक नहीं कर पाए। जो पैरासाइट होते हैं ना, परजीवी जो किसी दूसरे की बॉडी में लेके बैठ के मतलब उस पर जीवन जी के अपना सब यानी उसको, जैसे कि अमरवेल होती है दूसरे पौधे जिस पर होती है उस पौधे को ख़त्म कर देती है, तो ऐसे ही कार्मिक होते हैं। तो लेकिन अब इनके कार्मिक इनकी एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए सुकून में हैं, अब ये मस्ती कर रहे हैं। ये हो सकता है ये ट्रैवल ये घूमने फिरने में बिजी हों, और हो सकता है मंदिर वगैरह यानी अगर आप जिस भी रिलीजन से होंगे वहाँ पूजा पाठ करने ये जा रहे हों, ये आपसे मिलने के प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं कुछ। और इन्हें ये पता है कि आपसे इनका कनेक्शन जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड का नहीं है, सिर्फ वो अट्रैक्शन नहीं है, वो सोल का जो लव होता है, जो डिवाइन लव होता है, जो ट्रू लव होता है, वो लव है। हो सकता है इन ये फील कर पा रहे हैं कि ये इस जन्म का नाता, तेरा मुझसे जन्मों का नाता कोई यूं ही दिल, मुझे वर्ड्स मैं भूल गई इसके, आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा इसको, तेरा मुझसे है जन्मों का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, कुछ ऐसी इनकी एनर्जी फील हो रही है। इन्हें ये फील हो रहा है कि आपसे रिश्ता ऐसा ही नहीं बना, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप थी, ये इस बात का इन्हें एहसास हुआ है, और इसी वजह से और ये जो आपका रिश्ता है इसको प्रोटेक्शन आपके एंसेस्टर्स का भी मिला है। हो सकता है आप में से किसी व्यूअर ने एंसेस्टर कर्स को हील करने की कोई प्रैक्टिस की हो, तो वो हील हुआ है, जिसकी वजह से इनके कार्मिक इनकी एनर्जी से दूर हो पाए हैं। ये अपने कर्मों के कार्मिकों की एनर्जी यानी अपनी एनर्जी कार्मिकों को देना बंद कर पाए हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है कोई एंसेस्टर्स एनर्जी ले रहे हों जो मुक्त नहीं हो पाए होंगे, कुछ भी ऐसी एनर्जी होगी, एंसेस्टर्स अगर इनकी एनर्जी ले रहे होंगे, शक कर रहे होंगे, इनको परेशान कर रहे होंगे, या आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपका इनका एंसेस्टर कर्स भी हील हुआ है, जिसकी वजह से कार्मिक चाहे कैसे हो, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे ना हो, चाहे वो एंसेस्टर्स के रूप में हो, चाहे इस 3D में भी हो, ओवरऑल इनका कार्मिक पैटर्न ये कार्मिक पैटर्न से फ्री हुए हैं, इसीलिए मस्ती कर रहे हैं, इसीलिए घूम फिर रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। और आपके लिए इन्हें ऐसा प्यार आ रहा है जैसे जैसे बच्चों पे प्यार आता है ना, कि बड़ी केयरिंग बड़ा इनोसेंट सा लव आता है, ऐसा लव ये फील कर पा रहे हैं आपके लिए। उन्हें लग रहा है कि आपने बिल्कुल मदरली नेचर की तरह, जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है ना कि हर समय प्रोटेक्टिव रहना, केयर करना, वैसा प्यार इनको आप पे आ रहा है, और ये फील कर पा रहे हैं कि ऐसा ही प्यार आपने इनको दिया है। और ये जो प्यार है इनके डीप इंट्यूशन से आ रहा है, इनको काफ़ी डीप आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत आपके प्यार का गहन चिंतन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, आपको चेक नहीं कर रहे हैं, आपके प्यार की एक एक बात, अगर कोई ऐसी बात होगी जो आपने डांटा होगा या कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, तो वो अगर थॉट आता है तो उसको बिल्कुल साइड कर देते हैं, अरे तुम जाओ अभी, उस थॉट को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, उसे कहते अरे तुम जाओ, मुझे तो मेरे पर्सन की प्यार वाली बातें याद करनी है। सिर्फ आपके आपका प्यार याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक इनका क्या है, बॉटम ऑफ द डेक इनका था 7 of Wands, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। अब ये अफर्ट किस पे डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी का मीनिंग है कि मैंने बताया कि आपके बारे में आपके प्यार के बारे में सोच रहे हैं, कि आपने उन्हें किस तरह से कितना प्यार दिया, लोगों ने क्या किया, कार्मिकों ने क्या किया, और आपने कितना प्यार दिया, ये सोचते रहे। और फिर इन्होंने अफर्ट डालना शुरू किया कि अब मुझे मेरे पर्सन से मिलना है, अब मुझे ये पैटर्न खत्म करना है, अब मुझे रीबर्थ करना है इस रिलेशनशिप में, मुझे मेरे पर्सन की ओर बढ़ना है, सारे टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके, मतलब जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे आपके बीच उन सारी चीज़ों को भुला के, पास्ट में जो कुछ झगड़े हुए हमारे जो कुछ सब खत्म, अब सिर्फ प्यार, इस होप से ही आपकी ओर आ रहे हैं कि मुझे सिर्फ अब मेरे पर्सन के लिए, बस मेरे पर्सन से मुझे प्यार रखना है, बाकी सारी चीज़ें खत्म, मतलब मैंने आपके बीच में जो भी झगड़े हुए थे, जो कुछ भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी, वो सब भूल के, और आपको भी आपसे भी ये चाहत करेंगे, आपको भी भुला देंगे वो सारी बातें, कि भूल जाओ वो सारी बातें, कुछ नहीं होता, आज हम मिल गए ना, बस
आज हम मिल गए, अब हम हमेशा एक रहेंगे, इस एनर्जी से ही आपकी ओर आ रहे हैं, आपसे यूनाइट होने, तो आपको आपको खुश हो जाना चाहिए। और हाँ, प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहना, आप ईश्वर से ये प्रे करते रहना कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन मेरी ओर आ रहा है, आप ला रहे हो। वैसे तो ईश्वर लाएंगे, लेकिन ज़रूरी होता है, एफर्ट डालते रहना ज़रूरी होता है। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइन आए हैं कि आपके पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं, लेकिन अच्छे से वो आपकी ओर आ जाएं, कोई बीच में उनकी राहों में बाधा ना है, वो जो जो ये एफर्ट डाल रहे हैं वो एफर्ट अच्छे से डाल पाएँ, आप यूनाइट हो पाएँ, आपको वो जेस्चर दे पाएँ, आपकी जो सेपरेशन की साइकिल है वो दी एंड हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर प्रे और प्रॉपर डिवोशन के पाथ पे चलते रहना है आपको, वो आपको नहीं छोड़ना। पर्सन आ भी जाए उसके बाद भी आपको डिवोशन के पाथ पे चलते रहना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।